Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार मैं श्रेष्ठ यादव एक बार फिर से आप सभी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अर्थ को समझा और उसकी विषय वस्तु के बारे में जानकारी एकत्र की आज हम लोग अपनी इसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अर्थात किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ने एज़ ए सब्जेक्ट इतिहास में अपने स्थान को पाया उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हम लोग यह मानते हैं तथा कहा जाता है कि यदि किसी के बारे में अच्छे से जानना है तो उसके इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है यदि हमें आज के परिपेक्ष्य में आज जो कुछ हो रहा है या आज जिस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति कर रहे हैं उसके बारे में यदि जानना हो तो व्यक्ति का जो इतिहास है जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जो उसके डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह इतिहास यह हिस्ट्री हमें आज के बारे में समझने में आज के बारे में जानने में मदद करती है तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में अपना डिस्कशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिकली शुरू करने से पहले हम लोग कुछ आ, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जिन स्कॉलर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जैसे स्मिथ चार्ल्स और रॉबर्ट ओवन हम लोग पहले इनका जो योगदान है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की प्रेजेंट की रूपरेखा में विषय वस्तु में उसकी चर्चा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर या वर्क स्पेशलाइजेशन जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा को समझा था तो उस समय डिवीज़न ऑफ लेबर या वर्क स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और जाना था कि वर्क स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या समझते हैं लेकिन वर्क स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आज जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में है उस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहाँ से है यही जानने के लिए हम लोग इन स्कॉलर्स को और हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उसे डिस्कस कर रहे हैं तो स्मिथ इस का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है स्मिथ के द्वारा जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए जो उन्होंने डिस्कशन किया उनका और आज डिवीजन ऑफ लेबर या वर्क स्पेशलाइजेशन की जो विषय वस्तु है उसमें एक संबंध है उसके बाद समय की बचत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है टाइम तो इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में कि हम किस प्रकार से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग आवर्स है या किसी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में जो समय लगता है उसको हम लोग किस प्रकार से मिनिमाइज़ कर सकते हैं किस प्रकार से सेव कर सकते हैं उसके लिए हमारा योगदान दिया उसके बाद है त्रुटियों की जानकारी एवं निवारण इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स या डिफ़रेंट डिफरेंट राइटिंग्स में ऑर्गेनाइजेशंस में जो एरर्स हैं किस प्रकार की एरर्स ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकती हैं और हम लोग किस प्रकार उन एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन एरर्स को किस प्रकार से मिनिमाइज़ करते हुए उनका सॉल्यूशन फ़ाइंड आउट कर सकते हैं यह हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में हमें मिलता है उसके बाद समय सामग्री की बर्बादी में कमी अर्थात जब हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स यूज़ करती है आप अपने आसपास देखेंगे कि जो भी हमारे आसपास प्रोडक्ट हैं जैसे ये पेन है या ये कंप्यूटर है या ये टेबल है तो इनका जो ये प्रोडक्ट है फाइनल जो प्रोडक्ट है इस फाइनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में बहुत सारे रिसोर्स यूज़ हुए होंगे और उन रिसोर्सिस को हम लोग किस प्रकार से मिनिमाइज़ करें कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा अगर लकड़ी की अगर लकड़ी है हमारे पास तो हम लोग किस तरीके से उससे मैक्सिमम टेबल या चेयर प्रोड्यूस कर पाएँ या जो उसकी चीज़ें वेस्टेज हुई हैं उन्हें हम किस प्रकार से नेक्स्ट प्रोडक्शन में यूज़ करें या अपने इस प्रोडक्ट को और ब्यूटिफाई करने में जो इसकी जो चीज़ें गिरी हैं निकली हैं जो कट निकले हैं या जो कटिंग्स निकली हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम लोगों को ध्यान देना होगा उसके बाद उच्च कौशल स्तर की प्राप्ति अर्थात कि हम लोग किस प्रकार से अपनी वर्क एफिशिएंसी को वर्क इफ़ेक्टिवनेस को आगे बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्शन को आगे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन इन लोगों का हमारे पास लिटरेचर में अवेलेबल है उसके बाद व्यक्ति की विशेषताएं एवं निर्धारण तो इन स्कॉलर्स ने यह हम लोगों को बताया या ज्ञान दिया कि जो व्यक्ति है उसकी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरस्टिक्स होती हैं उन करेक्टर और जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उनके बीच में अगर डिफरेंसेस कम है या वो वही कार्य करे जो उसकी जो स्पेशलाइज्ड या वो आसानी से कर सकता है तो जो व्यक्ति के कार्य करने में जो एरर्स की प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी और उसका जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होगा उसके बाद जो हमारे पास रोबोट ओवन है उनको हम लोग यदि लिटरेचर में देखें तो वो एक पहले ऐसे उद्योगपति थे या स्कॉलर थे जिन लोगों ने यह डिस्कशन किया या यह बात रखी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन है वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से उनके साथ व्यवहार किया जाए जो कर्मचारी काम करते हैं वो जिस कंडीशंस में काम करें वो इनह्यूमेन ना हो और जो मानवीय एक पर्सपेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशंस के कार्य करने की प्रणाली में रॉबर्ट ओवन को उस परिप्रेक्ष्य का या उस मानवीय जो डिस्कशन है उसका फादर भी कहा जाता है उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे उस तरह का वातावरण दे जहाँ पर वो व्यक्ति आसानी से उस कार्य को पूर्ण कर सके इसके अलावा उन लोगों ने रॉबर्ट ओवन ने ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है उसकी स्वच्छता और उसकी बेहतरी पर कार्य करने के लिए लोग जो ध्यान केंद्रित किया कहा कि अगर जिस एनवायरनमेंट में कर्मचारी कार्य करते हैं वो स्वच्छ होगा और उसका जो एनवायरनमेंट वो बेहतर होगा तो उस कंडीशन में कर्मचारी अपने कार्य को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे इसके अतिरिक्त वो बाल मजदूरी के अगेंस्ट थे अर्थात उनका कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य करे वो बाल मज़दूरी की श्रेणी में ना आता हो उस समय दस साल से कम लोगों को कार्य करने या ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने जॉब देने के वो सख्त खिलाफ़ थे वो ऑर्गेनाइजेशन में बाल मज़दूरी को कम से कम करने और ये देखने के जो बच्चे हैं उन लोगों का जो बचपन है उस समय जो उनके डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है वो बच्चे उन्हीं तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें उनका फ़ोकस ऑर्गेनाइजेशंस में अर्न करना काम करना ना हो इसके लिए उन्होंने हमेशा अपना योगदान दिया इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों पर निवेश करती है निवेश करने का अर्थ है यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कर्मचारियों पर कुछ इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करती है किसके लिए उसके डेवलपमेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरमेंट है उसे अपने कर्मचारियों के या जो ऑर्गेनाइजेशन अपने कर्मचारियों को जो वातावरण देती है उसमें वो किस प्रकार से इस तरह का निवेश करे कि कर्मचारी वहाँ पर कंफर्ट में आसानी से उस कार्य को पूरा कर सके, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए लाभदायक होगा तो ये सभी विचार हमको हमारी इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस के रोब ओबर स्मिथ चार्ल्स और रॉबर्ट ओवन के द्वारा दिए गए अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हिस्ट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट एराज हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हिस्ट्री का जो एक सबसे पहला एरा है उसे कहा गया है क्लासिकल एरा या शास्त्रीय युग क्लासिकल एरा क्योंकि यह सबसे पुराना है या सबसे पहला जो एरा है वो ये वो समय है तो क्लासिकल एरा में जो हम लोग डिस्कशन करते हैं उसमें जो पहला पर्सपेक्टिव या जो पहला थ्योरी दी गई वो दी गई टेलर के द्वारा एफ डब्ल्यू टेलर एफ डब्ल्यू टेलर के इस सिद्धांत को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत या कुछ लोग उसे ट्रेलर का सिद्धांत ट्रेलिज्म या इसके अतिरिक्त हम लोग क्लासिकल एरा में जो दूसरे सिद्धांत की चर्चा करते हैं वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच तो पहले हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डेवलपमेंट में क्या योगदान है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रेलर का सिद्धांत है इसका बेस क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट तो यह हम लोग कह सकते हैं कि जो टेलर ने जो अपनी थ्योरी दी उसमें साइंस और साइंस के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं या साइंस की जो आइडियोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया अब जो ट्रेलर का जो सिद्धांत है उसका जो एक केंद्र है वो क्या है कि किसी भी कार्य को जो करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए उस कार्य को करने का जो सबसे आसान और जो सबसे अच्छा तरीका हो तो ट्रेलर ने सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो फोकस किया कि किसी भी कार्य को करने के बहुत सारे तरीके होंगे लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है सबसे अच्छा तरीका उससे क्या बेनिफिट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कॉस्ट कम होगा समय कम लगेगा वेस्टेज कम होगी उसके बाद जो इन्होंने नेक्स्ट डिस्कशन किया या नेक्स्ट बात कही वह है टास्क में विभाजन अर्थात कि जब हमें किसी एक कार्य को पूरा करना हो तो उस एक पूरे कार्य को एक साथ ना करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें जैसे यदि अगर आपको एक कोई टास्क दिया जाए कि आपको ये एक असाइनमेंट पूरा करना है आप पांच लोग मिलके इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे तो उस असाइनमेंट को पूरा करने का जो एक बड़ा टास्क है आप उसके सब टास्क बना लें और ये आइडेंटिफाई करें कि हम दोनों लोग मिलकर इस वाले टास्क को पूरा करेंगे आप दो लोग मिलकर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे आप दो लोग मिलकर और रिसर्चेस कलेक्ट करेंगे आप एनालिसिस करेंगे और इस प्रकार से हम लोग अपने इस पूरे असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो आपका असाइनमेंट है वो कम समय में कम रिसोर्सिस में और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कम्प्लीट हुआ तो ट्रेलर ने किसी भी टास्क को जो सेट ऑफ टास्क में विभाजन करने के लिए अपने आ, को अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में डिस्कशन किया उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी टास्क को जो पूरा करने के लिए हमें ऑप्शंस हैं या किसी भी कार्य को पूरा करने के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उनको ढूंढने के लिए हमें किस तरह की मेथड्स का उपयोग करना चाहिए वैज्ञानिक मेथड्स का वैज्ञानिक मेथड से अर्थ है कि हम सिस्टमेटिकली ये आइडेंटिफाई करें सिस्टमेटिकली ये इंश्योर करें कि इस कार्य को किस प्रकार करना है सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई करें कि क्या रोल्स होंगे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी हमारे कर्मचारियों की तो उन्होंने इस सब के लिए साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग करने पर जोर दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रायल एंड एरर भूल व सुधार के स्थान पर हम लोगों को किस पर बल देना चाहिए या किस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए साइंटिफिकली पर किसी चीज़ का परीक्षण या टेस्टिंग करने के द्वारा उनका मानना था कि यदि हम लोग किसी चीज़ को ट्रायल और एरर से सीखेंगे तो क्या होगा कि हम लोगों को बार बार ऑर्गेनाइजेशन में गलती करेंगे गलती करेंगे फिर सीखेंगे फिर कुछ गलत किया फिर कुछ सीखा तो इससे क्या होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एरर्स ज़्यादा होंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या है कि हम लोग किसी भी एक साइंटिफिकली टेस्टिंग के द्वारा ये आइडेंटिफाई कर लें कि इस कार्य को यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी या गलती होने की जो संभावना होगी वो कम से कम होगी उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन उन्होंने किया उन्होंने कहा कि कार्य अर्थात जॉब्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अर्थात एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा कार्य ना हो एक व्यक्ति के पास एक डिफरेंट डिफरेंट तरह के कार्य ना हो हम लोग कार्य को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ने, नेचर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें और उसके आधार पर हम लोग जिस कर्मचारी को जो कार्य देना है उस कर्मचारी को वो कार्य दें जब हम किसी भी एक कार्य को या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो उस कार्य को दूसरे उस कार्य को दूसरे व्यक्ति को समझाना उन रिस्पांसिबिलिटीज़ को डिलीवर करना हमारे लिए आसान हो जाता है ऐसा टेलर का मानना था तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं रेस्पॉन्सबिलिटीज़ हैं उन्हें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उसके बाद उन पर आगे प्रोसेस किया जाए उसके बाद जो नेक्स्ट है इनका फोकस था मैक्सिमम प्रोडक्शन ट्रेलर तो ट्रेलर के जो थोरी है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशन हैं उसमें आप पाएंगे कि जो मेज़र फोकस है वो किसकी तरफ है मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ हम लोग साइंटिफिक मेथड्स वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये सब किस लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है उसे अचीव कर सकें जो मैक्सिमम बेनिफिट हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसे अचीव कर सके जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम मैक्सिम स्तर तक ले जाके अचीव कर सके तो मैक्सिमम प्रोडक्शन पर ट्रेलर का एक स्पेसिफिक फोकस रहा उसके बाद विशेषज्ञता विशेषज्ञता अर्थात स्पेशलाइजेशन ट्रेलर ने अपने सिद्धांत में कहा कि जो कोई भी एक स्पेसिफिक वर्क है उसकी एक स्पेसिफिक एबिलिटी uh, है उस कार्य को करने की जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एक डिफरेंट डिफरेंट मेकेनिज़म की डिमांड करते हैं तो जो डिफरेंट डिफरेंट मेकनिज़्म हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं इनको पूरा करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफ़िक एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है एक व्यक्ति एक कार्य को करने में हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो लेकिन दूसरे कार्य करने में उसकी उतना स्पेशलाइजेशन ना हो तो यदि एक स्पेशलाइज व्यक्ति जिसकी आ, उस कार्य को पूरा करने में स्पेशलाइजेशन है वो उस कार्य को करेगा तो वहाँ पर एरर्स की प्रोबेबिलिटी कम होगी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ट्रेलर का मानना था कि हमें वर्क स्पेशलाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक रूप से इंटीग्रेट करना चाहिए उसके अतिरिक्त टेलर ने कहा कि समय सामग्री का निर्धारण अर्थात जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें तो उसके लिए जो टाइम है और जो उसके लिए रिसोर्सिस हैं उनको हमें पहले से ही प्री डिटरमाइन निर्धारित करना चाहिए उससे हम लोगों का जो वेस्टेज है चाहे वो समय का हो चाहे वो रिसोर्सिस का हो वो मिनिमम होगा कम हो जाएगा और उसके माध्यम से हम लोगों को जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके निर्धारण करने में भी हमें हेल्प मिलेगी जैसे यदि यहीं पर हम लोग कोई असाइनमेंट किसी को दें या कोई काम किसी को दें तो आप क्या पूछेंगे कि इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या सामग्री अवेलेबल है और क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जो प्लान करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ये कार्य पूरा करना है तो वो जो टाइम है जो वो सामग्री है जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कंसिडर करते हुए आप अपना प्लान डेवलप कर सकते हैं तो उसके बाद है कार्य पद्धति का नियोजन अर्थात जो प्लानिंग है कार्य को पूरा करने की वो एक नियोजित रूप में हो प्लैंड वे में हो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जैसे यदि अभी हम दोबारा अगर इसी एग्जाम्पल को लें कि अगर हमें एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो जो हम कार्य करने वाले हैं उसके लिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे प्लान करेंगे कि यदि अगर हमें ये कार्य पाँच दिन में पूरा करना है तो अब हमारे पास एक रिसोर्स है टाइम एज ए रिसोर्स तो पहले दो दिन हो सकता है हम लोग रिव्यू प्रिपेयर करें फिर एक अगर पाँच दिन है हमारे पास तो हमने पहले दो दिन में रिव्यू कलेक्ट किया उसके बाद एक दिन के लिए हमने राइटिंग के लिए रखा एक दिन हम लोगों ने फॉर्मेटिंग या उसका जो और उसमें जो पिक्चर्स या टेबल्स ऐड करने हैं उसके लिए और लास्ट डे हमने रिविज़न के लिए रखा तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने इस कार्य को पूरा करने के लिए पहले से एक प्लान वे में एक नियोजित तरीके से निर्धारित किया तो इस तरीके से हम लोग यदि अपने ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी उसके अलावा टेलर ने एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को कंसिडर किया कि यदि हम लोग प्रोत्साहित हैं किसी कार्य को करने के लिए तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस कार्य को करने में हमारा एंगेजमेंट ज़्यादा होता है तो गलतियाँ होने की संभावनाएँ कम होती हैं और हम लोग उस प्रोत्साहन की स्टेज में मोटिवेशन की स्टेज में उस जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी तो टेलर का मानना था कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं यदि हम उन लोगों को मोटिवेट रखें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग में फंक्शनिंग से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन लेवल है उसे इम्प्रूव करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट निर्धारित होगा उसके बाद कार्य एवं वेतन का निर्धारण ट्रेलर का ये बिलीव है कि जो हमारा कार्य है उस और जो हमारा वेतन है जितना कार्य जिस प्रकार का कार्य हम करें उसी के अनुसार हमारा जो वेतन है जो सैलरी है उसका निर्धारण हो कार्य और उसकी सैलरी के बीच में बैलेंस से हम लोग मोटिवेशन और जो कॉन्सेप्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन उसे अचीव कर सकते हैं तो यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा कार्य करे तो उसके वेतन में उसी के प्रपोर्शन में आप इंक्रीमेंट करें तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो उस कार्य को और ज़्यादा एफिशिएंटली या इफ़ेक्टिवली या नंबर्स में उस प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा उसके बाद मुख्य लक्ष्य तकनीकी दक्षता में सुधार करें टेलर का ये मानना है कि यदि जो हमारे पास जो टेक्निकल स्किल्स हैं यदि हम उन्हें इम्प्रूव करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन इफेक्टिवनेस इम्प्रूव होगा जैसे जैसे इंडस्ट्राइजेशन आगे डेवलप हुआ वैसे वैसे हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो डिफ़रेंट डिफरेंट साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उससे जो मशीन्स में टेक्निक्स में डेवलपमेंट हुआ तो जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आगे बढ़ा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इफ़ेक्टिवनेस इसी बात से निर्धारित होने लगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें जो कर्मचारी हैं काम करते हैं वो कितने टेक्निकल स्किल्स हैं फॉर एग्जाम्पल यदि अभी हम लोग देखें तो धीरे धीरे हम डिजिटलाइजेशन की एज में आगे इम्प्रूव कर रहे हैं तो यदि पहले हम लोगों का टीचिंग मेथड एक क्लासिकल मेथड होता था तो हम देखते हैं कि अब जो डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल मेथड्स हैं वो हमारे टीचिंग मेथड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो यदि अभी इस एरा में हमें और इम्प्रूव करना है अपनी इफ़ेक्टिवनेस को और इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं इसमें हमें स्किल्ड होना होगा तो जब हम स्किल्ड होंगे तब हम लोग आज के जो कंपटीटिव एरा है उसमें हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से या बाकी लोगों से अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं और उनके इस कंपटिशन के लेवल को बीट कर सकते हैं ये कब Uh, संभव हो सकता है जब हमारे पास जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो हो तो ट्रेलर का भी यही मानना था कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से इम्प्रूव किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस की जो इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो और प्रोडक्शन इंक्रीज हो उसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि यदि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना तो हमें क्या करना होगा हमें उच्च प्रोत्साहन देना होगा अर्थात इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि एक बच्चा आ, आ, क्लास का नहीं हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि हमारे पास एक दस आइटम है और आज हमें उसे सेल करना है तो यदि एक कर्मचारी उन दस में से आठ आइटम्स को सेल करता है तो उसे किस तरह का प्रोत्साहन मिलना चाहिए ज़्यादा मिलना चाहिए किससे उस व्यक्ति से जिसने वहाँ पर दो या पाँच आइटम्स को सेल किया है तो यहाँ पर यह क्या मानना है कि यदि हम लोग जो उत्पादन है या जो कार्य है ऑर्गेनाइजेशन में जो कार, कर्मचारी कर रहे हैं वो यदि अधिक कर रहे हैं तो उनका जो प्रोत्साहन है वो कैसा होना चाहिए अधिक होना चाहिए तो ये प्रोत्साहन उन्हें और ज़्यादा प्रोड्यूस करने में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो उन्हें गिवन टास्क हैं उन्हें अच्छे से कंप्लीट करने में मोटिवेट करने में उनकी मदद करेगा और इस प्रकार से हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़ेक्टिवनेस है या जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में कर्मचारियों के व्यवहार को महत्व दिया गया है अर्थात यहाँ इस सिद्धांत में सिर्फ मशीन साइंस या साइंटिफिक मेथड्स को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है इसके साथ साथ कर्मचारियों के व्यवहार को भी महत्व दिया गया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक एलिमेंट है यहाँ वैज्ञानिक ढंग से कर्मचारियों का चयन परीक्षण प्रशिक्षण और विकास इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया गया कि जो कर्मचारियों का चयन हो जो सिलेक्शन हो उसमें किस तरह के मेथड्स को उपयोग किया जाए सिस्टमेटिकली उन्हें किया जाए साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग किया जाए कब जब हम कर्मचारियों का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन करें उसके बाद यदि हमें उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिपेयर करने हैं या हमें उनके डेवलपमेंट के लिए और कोई प्रोग्राम डेवलप करने हैं तो हमें साइंटिफिक अप्रोच और मेथड्स के थ्रू इस तरह के प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना होगा उसके बाद कार्य स्थल की बेहतर स्थिति से उत्पादन में वृद्धि इसका अर्थ है कि यह सिद्धांत इसमें बिलीव करता है कि यदि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लेस है उसकी स्थिति को इम्प्रूव करेंगे तो हमारे प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा अर्थात यदि हमारे कर्मचारी एक ऐसी कंडीशन में कर्म कर काम करेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में काम करेंगे जहाँ पर उन्हें किसी और तरह की परेशानी नहीं है वो अपने काम पर कंसंट्रेट कर सकते हैं तो उस कंडीशन में उनके प्रोडक्शन में उनकी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होगा इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा मशीन की भांति कर्मचारियों के लिए भी कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके हैं तो जैसा हम लोग देखते हैं कि मशीन्स या जो टेक्नोलॉजी है ये धीरे 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 इम्प्रूव होती है इवॉल्व होती है तो उसी प्रकार यदि किसी एक कार्य करने का आज हमारे पास कोई तरीका है या बहुत समय से कोई व्यक्ति कुछ व्यक्ति उस कार्य को उसी प्रकार से कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यही एक तरीका है उस कार्य को पूरा करने का हम लोगों को उस तरीकों के अलावा भी तरीके हैं और यदि हम लोग उन तरीक़ों के अतिरिक्त कोई और एक ऐसा तरीका ढूंढ पाते हैं जो उस कार्य को आसानी से कम समय में कम रिसोर्स में कम एरर्स में कर सकता है तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्शन में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में हेल्प मिलेगी उसके बाद कार्य कौशल के साथ साथ कार्य का तालमेल इसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति के पास या किसी एक कर्मचारी के पास किसी एक कार्य को करने का एक अच्छा स्किल है और उसको उसी प्रकार का कार्य दिया जाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी लेकिन यदि एक व्यक्ति का कार्य और उस व्यक्ति के अंदर जो स्किल्स हैं उस कार्य को पूरा करने की उनके बीच में कोई लैक है या उनके बीच में कोई डिस्क्रिप्रेंसी है तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से नहीं पूरा करेगा और उस प्रकार से यह हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उसके बाद कर्मचारी को भी संसाधन के रूप में मान्यता टेलर के इस सिद्धांत में आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम फोकस है वो प्रोडक्शन पर है और किस पर फोकस है कि जो हमारे पास रिसोर्स हैं उन्हें किस तरीके से कम से कम यूटिलाइज़ किया जाए और किस तरीके से मैक्सिमम हम लोग प्रोड्यूस कर सकें लेकिन उसी के साथ साथ टेलर ने ये भी कहा कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को किसकी तरह मानना चाहिए संसाधन की तरह तो यदि हम अपने कर्मचारियों को संसाधन की तरह रिसोर्स की तरह उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम मैक्सिमम उन तरीकों के बारे में जानकारी जानने के प्रयास करेंगे कि इन कर्मचारियों से हम मैक्सिमम कितना अच्छे से अच्छा कार्य ले सकें तो जब हमारे पास कोई रिसोर्स होता है तो हम उसको मैक्सिमाइज़ मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं उसका वेस्टेज कम से कम करने की कोशिश करते हैं तो टेलर के इस सिद्धांत से हम लोग कर्मचारियों के पास जो उनके स्किल्स हैं जो उनका टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें और जो उसका वेस्टेज है उसका कम से कम उसका वेस्टेज हो उसके बाद उन्होंने कहा के एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छे वेतन का होना आवश्यक है अर्थात जिन लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस हो उनको अच्छा वेतन दिया जाए एक एक स्पेसिफिक हमारे पास वेतन हो सैलरी हो ताकि हम लोग जो हाई अचीवर्स हैं जो हाई प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है उनके वेतन को उसी के अकॉर्डिंगली अच्छे से आगे इम्प्रूव कर सकें या बढ़ा सकें उसके साथ साथ उन्होंने फोकस किया प्रबंधन और जो हमारे पास कर्मचारी हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो यदि हमारे मैनेजमेंट और हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो होगा क्या जो हमारे पास टास्क हैं जो मैनेजमेंट के पास टास्क हैं कंप्लीट करने के लिए और उन्हें कम्युनिकेट करने किसी कर्मचारियों से तो यदि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं होगा तो जो टास्क हैं वो उन्हें ठीक से कम्युनिकेट नहीं होंगे या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेजर्स को या जो प्रबंधक हैं हमारे पास उनको डिलीवर नहीं करेंगे तो एट द एंड टेक्निकली होगा क्या इन दोनों के कोऑर्डिनेशन की कमी की, की वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है जिसे हमें अचीव करना है वो सम हाउ वो फेल होगा या उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी जैसा आप लोग किसी भी ग्रुप में देखेंगे कि यदि हम किसी ग्रुप में कोई काम देते हैं तो उस ग्रुप को उस काम को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उस ग्रुप को मैनेज कर रहा हो उसका और जो उस ग्रुप में बाकी लोग काम कर रहे हो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जितना ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही अच्छा चांसेस हैं कि वो ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसके बाद अब हम लोग जो हमारे पास टेलर का सिद्धांत है इसका एक क्रिटिकल इवेलुएशन का एक पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम लोगों ने देखा कि टेलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया जो थेरी हमें दी इसके अंदर बहुत सारे मेरिट्स हैं लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हों लिमिटेशंस का अर्थ यह नहीं है कि इस सिद्धांत में का हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कोई डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है लिमिटेशंस का अर्थ है कि जो बाकी के जो स्कॉलर्स थे उनमें से कुछ स्कॉलर्स का एक जो टेलर ने जो कॉन्सेप्ट दिए, उनसे जो मत है उनका वो डिफरेंट था और इसके अलावा अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेलर के सिद्धांत का क्रिटिकल इवल्यूशन तो प्रबंधकों के पास उच्च स्तर की अनियंत्रित शक्ति टेलर के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जो हरारकी में हाई पोजीशंस पे हैं या जिनके पास मैनेजरल रूल्स हैं उनके पास एक स्पेसिफिक पावर है वो कंट्रोल कर सकते हैं किसको बाकी एम्प्लॉइज़ को तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि टेलर के जो थेरी है उसकी एक लिमिटेशन है कि उन्होंने जो हरारकी में हायर हैं उनके को एक ज़्यादा पावर दी ताकि वो लोग बाकी एम्प्लॉयज़ को इजीली कंट्रोल कर सकें न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ पर केंद्रित स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो टेलर का जो थेरी है वो मैक्सिमम किस बात पे फोकस करता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट लगा के जो मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं उस पर ज़्यादा केंद्रित है तो इस कारण से वो जो एम्प्लॉइज के जो परस्पेक्टिव हैं उन पर कम ध्यान देता है तो ये एक क्रिटिकल क्रिटिसिज्म है ट्रेलर के सिद्धांत का डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा उसके बाद कार्य विशिष्ट स्पेशलाइजेशंस के बेनिफिट लेकिन स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो ट्रेलर का जो ट्रेलर का जो सिद्धांत है जो उसका कॉन्सेप्ट है वर्क स्पेशलाइजेशन उसके हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जितना ज़्यादा हम वर्क को स्पेशलाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वर्क स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली हम अपने कार्य को डिस्ट्रीब्यूट करके डिवीज़न ऑफ लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट में हमें फ़ायदा होगा अत्यधिक लाभ अर्जित करने पर केंद्रित ये एक बेसिक करेक्टरिस्टिक है जिसको क्रिटिसाइज़ किया डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने टेलर के कि टेलर ने जो साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग किया ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में इसका जो एक मेजर एक ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग मैक्सिमम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन में और उसकी एफिशिएंसी में हम लोग लाभ पहुँचाएं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेलर के सिद्धांत को क्रिटिसाइज़ किया गया कर्मचारियों को मशीन की भांति समझना स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि टेलर के सिद्धांत में जो कर्मचारी हैं उन लोगों को एक मशीन की तरह ट्रीट किया गया जैसे कि यदि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अगर उसने परफॉर्म किया है तो उसी के रेशो में उसे सैलरी दी जाए ये कॉन्सेप्ट कैसा है ये कॉन्सेप्ट एक मशीन की तरह है जैसे एक मशीन के अगर कुछ लेवल्स हैं तो अगर मैं लेवल्स को इनक्रीज़ करता हूँ तो मशीन का जो रोटेशन है या मशीन का जो परफॉर्मेंस है या जो उसकी एक्टिविटी है वो बढ़ती चली जाती है तो मैंने अगर एक लेवल अप किया तो मशीन और तेज काम करने लगी फिर मैंने एक लेवल और अप किया तो मशीन और तेज काम करने लगी फिर मैंने एक लेवल और अप किया तो मशीन और ज़्यादा तेज़ काम करने लगी लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनकी फंक्शनिंग इस मशीन की फंक्शनिंग की तरह नहीं होती है कि यदि हमने सैलरी में एक लेवल और इंक्रीमेंट किया तो उसका प्रोडक्शन उसी रेशो में और आगे बढ़ेगा हमने और उस रेशो में आगे उसकी या उसका मोटिवेशन इंक्रीज़ किया तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो उसी लेवल में और ज़्यादा इंक्रीज़ इंक्रीज होगा तो ह्यूमन बिहेवियर और जो मशीन की जो फंक्शनिंग है ये दोनों डिफरेंट हैं डिफरेंट तरीके से काम करती हैं लेकिन स्कॉलर्स का ये मानना था कि जो ये टेलर का जो सिद्धांत है ये ह्यूमंस को एम्प्लॉयज़ को भी मशीन की तरह ट्रीट कर रहा है उसके बाद एम्प्लॉयज़ की इमोशंस को इग्नोर करना टेलर के इस सिद्धांत में एम्प्लॉयज़ के इमोशंस फीलिंग्स उनके पर्सपेक्टिव्स को कम स्पेस दिया गया है उसका कम ध्यान रखा गया है क्रिटिक्स हैं टेलर के सिद्धांत के उनका मानना है कि सिद्धांत में यदि कर्मचारियों की भावनाओं को या उनके जो इमोशंस हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको भी ऐड किया जाता तो इस सिद्धांत में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है यह है इकोनॉमिक रैशनैलिटी पर आधारित इकोनॉमिक रेशनलिटी का अर्थ है कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक्स वर्क करती है जिस तरीके से हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वर्क करता है ठीक उसी तरीके से या जिस तरीके से हमारी रैशनैलिटी वर्क करती है ठीक उसी तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर है वर्क नहीं करता है हमारे जो कर्मचारी हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इकोनॉमिकल और रैशनल थिंकिंग के साथ साथ इमोशनल परस्पेक्टिव इमोशनल थिंकिंग इमोशनल बॉन्डिंग या उनके जो फीलिंग्स हैं इनका भी हमारे एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर पर इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है वो है स्कॉलर्स ने कहा कि थिएटिकली थियरटिकली जो टेलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया टेलर ने जो बातचीत करी या टेलर ने जिस तरीके की फंक्शनिंग पर फोकस किया वो थोरटिकली तो बहुत सही लगता है लेकिन जब हम लोग उसे उसके बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो उतना इम्पोर्टेंट या उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है अर्थात जो चीज़ें हमें लगता है कि बुक्स में लिखी हैं या इस तरीके से होनी चाहिए वो वहाँ पर तो ठीक लग रही हैं लेकिन जब हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में वो उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं देती हैं इसीलिए आगे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो इनकी थीरी है जब हम लोग उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है बिल्कुल एज़ इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट करना और वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं है तो इनकी थ्योरीज को इनके जो पर्सपेक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंप्लीमेंट करना उसको इंटीग्रेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है और बहुत एक कॉस्टली टास्क है तो ये कुछ वो लिमिटेशंस थी जिनके आधार पर टेलर के इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया अब हम लोग जो क्लासिकल एरा का दूसरी थेरी है या दूसरी अप्रोच है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो क्लासिकल एरा में जो सेकेंड थ्योरी है जो सेकेंड थेटिकल परस्पेक्टिव है वह है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी या अप्रोच प्रशासनिक सिद्धांत या विचारधारा प्रशासनिक सिद्धांत या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को देने या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कहा जाता हेनरी फ्योल फ्योल ने इस थ्योरी को दिया या प्रतिपादित किया फ्योल की इस थ्योरी में एक जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो है मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है सार्वभौमिक या यूनिवर्सल का अर्थ है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट की जो फंक्शनिंग है, है वो अलग अलग स्पेस अलग अलग कंट्रीज अलग अलग कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट नहीं है वो सेम है तो हम उसी तरह के प्रिंसिपल्स उसी तरह की फंक्शनिंग को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये मानना था फ्यूल का अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में इसके बाद जो थे फ्यूल ने कहा कि प्रबंधन या मैनेजमेंट का क्या अर्थ है दूसरों से कार्य कराने की क्षमता तो यहाँ फॉल की इस थेरी में ये माना गया कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं मैनेजमेंट वो क्षमता है या वो एबिलिटी है जिसके द्वारा हम लोग दूसरों से किसी कार्य को पूरा करा सकते हैं थर्ड मैनेजमेंट के सिद्धांत में प्रबंधक के कार्यों में सुधार करने में सहायक तो यहाँ फ्योल का ये मानना था कि जो मैनेजमेंट के सिद्धांत है, थेरी हैं थेरीज हैं वो किस में हेल्प कर सकते हैं जो वहाँ पे मैनेजर है प्रबंधक है उसके कार्यों में ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो किसी को भी अगर अच्छा मैनेजर बनना है या किसी को भी अच्छे मैनेजर रोल को प्ले करना है तो उसके लिए हमें किस जो ये थेरीज है ये क्या करेंगे हेल्प करेंगे हमें डेवलप होने में एज ए मैनेजर तो यदि हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि इन थीरीज का इन आ, किसी भी एक व्यक्ति को मैनेजर बनने के लिए इनका ज्ञान होना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना एक नेसेसिटी है ताकि वो अपने मैनेजर रोल को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली फुलफ़िल कर सके उसके बाद फ्योल का मानना है कि मैनेजमेंट क्या है एक आर्ट है यहाँ इसका यह कहने का अर्थ नहीं है कि बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है बट यह एक आर्ट है तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम्स के साथ साथ जो हमारे इंट्यूशंस हैं जो हमारे फीलिंग्स हैं जो हमारे इमोशंस हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं तो एक कला है जिसके माध्यम से हम लोग दूसरों से किसी कार्य को पूर्ण करा सकते हैं तो आप आसपास बातचीत में या आसपास के डिस्कशन में ये लोगों से सुनते भी होंगे कि उसके अंदर दूसरे व्यक्तियों से कला कार्य कराने की एक अच्छी कला है वो खुद कोई कार्य नहीं करता लेकिन दूसरों से अपने उस कार्य को पूर्ण करा लेता है तो ये कौन सी आर्ट हुई फ्योल के शब्दों में ये एक मैनेजमेंट की स्किल है अब प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है एक कंटिन्यूस कंटिन्यूस प्रोसेस है प्रबंधन का अर्थ ये नहीं है कि कोई टास्क मिला वो कंप्लीट हुआ और वो वहाँ एंड हो गया प्रबंधन हमेशा चलता है मैनेज हमेशा आप किसी भी चीज़ को मैनेज करते हैं उसका मैनेजमेंट करते हैं उसे प्लान करते हैं उसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसे कंट्रोल करते हैं तो यहाँ फ्यूल का ये पर्सपेक्टिव है कि जो मैनेजमेंट है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है यह एक कंटिनस प्रोसेस है जो हमेशा अपने डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमेशा ऑन गोइंग रहता है उसके बाद फ़्योल का ये मानना है कि मैनेजमेंट में या थेरीज ऑफ़ मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट आप सिर्फ बुक्स या थेरीज या टेक्स से नहीं समझ सकते उसके साथ साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं तो वो जो मैनेजमेंट की थेरीज का इम्प्लीमेंटेशन है जो आपके पास नॉलेज है उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसमें पैरदर्ली इम्प्रूवमेंट होता है तो अनुभव हमेशा किसी भी मैनेजर को उस टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करता है और उसकी एरर्स को कम करने में उस कॉन्टेक्स्ट को समझने में उसका अनुभव उसके कार्य में सहायक होता है उसके बाद फ्योल ने मैनेजरल के पांच फंक्शंस बताए फाइव मैनेजरल फंक्शंस के जो मैनेजर है या जो मैनेजर रोल्स हैं उनके बेसिकली ये पांच फंक्शंस हैं ये पाँच, है, पाँच कार्य हैं जिसमें पहला कार्य उन्होंने बताया प्लान प्लान मतलब एक योजना तैयार करना कि इस कार्य को हम लोग किस प्रकार से पूरा करेंगे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग सबसे पहले उस कार्य को पूरा करने की एक योजना बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं हम अपने घर में भी अगर कोई हमें कार्य करना होता है तो उसके लिए हम एक योजनाबद्ध तरीके से स्टेप वाइज अपना कार्य निर्धारित करते हैं यही काम मैनेजर का है कि वो अगर उसे कोई टास्क दिया जाए तो उस टास्क को किस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे शुरू करने से लेकर एंड करने तक जो वो पूरा का पूरा प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को प्लान करें, उसके बाद ऑर्गेनाइज संगठित करना ऑर्गेनाइज करना ये मैनेजर रोल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसके बाद कमांड है नियम कमांड करना यदि आ, एक मैनेजर है वो अपने ग्रुप पे अपने एम्प्लॉयज़ पर कमांड नहीं कर पाएगा तो उसके जो ग्रुप्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में काम करेंगे तो एक मैनेजर के अंदर एक एबिलिटी या एक उसका कार्य है कि वो अपने ग्रुप पे अपने ग्रुप के मेंबर्स पर एक कमांड रखे उसके बाद कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करें जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं या डिफरेंट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स हैं एम्प्लॉइज हैं काम करें उन सब के बीच में कॉर्डिनेशन को डेवलप करना देन द कंट्रोल इन सभी परिस्थितियों पर एक मैनेजर का एक टास्क है कि वो इन चीज़ों के ऊपर अपना नियंत्रण एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करें तो ये पांच वो मैनेजर uh, फंक्शंस हैं जिसे फ्योल ने अपने इस थेरी में प्रपोज किया इस इन पांच फंक्शंस के अलावा फ्योल ने फोर्टीन प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अब हम लोग इन फोर्टीन प्रिंसिपल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं तो जो पहला प्रिंसिपल फ्योल ने दिया वो था डिवीजन ऑफ लेबर डिवीज़न ऑफ़ लेबर के कॉन्सेप्ट को उसके मीनिंग को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ़ लेबर का क्या अर्थ है कि जो हमारे पास कार्य हैं डिफरेंट डिफरेंट है हम उसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट uh, uh, उनके नेचर के अकॉर्डिंगली उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारा जो एक uh, प्रबंधन के लिए प्रिंसिपल है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर सेकेंड है ऑथॉरिटी ऑथर ऑथॉरिटी का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति के पास कमांड देने की पावर हो तो वो कमांड देने की पावर उसके पास कैसे आएगी उसके साथ साथ उसके पास कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो यदि आज मेरे पास कोई ऑथॉरिटी है कि मैं किसी को या जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उसको एक कमांड दे सकता हूं कि तुम इस कार्य को पूरा करो तो ये जो ऑथॉरिटी है ये मुझे किसके साथ किस चीज़ के साथ मिली है रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो ऑथॉरिटी सेकेंड प्रिंसिपल देन थर्ड डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो निर्धारित रूल्स हैं रेगुलेशन हैं जो वे ऑफ बिहेवियर है जो पैटर्न ऑफ़ बिहेवियर है उसी के अकॉर्डिंगली उस ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को करें या उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिहेवियर्स को उसी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज़ करें उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड का अर्थ है कि जो कर्मचारी है उसे ये पता हो कि जो मुझे कमांड मिलनी है वो कहाँ से आ रही है तो एक कर्मचारी है या दो कर्मचारी हैं चार कर्मचारी हैं उन लोगों को ये पता है कि हमें किसकी कमांड के अकॉर्डिंगली के, हमें इस टास्क को पूरा करना है तो यूनिटी ऑफ कमांड एक डायरेक्शन देती है कि हमें कहाँ से जो कोऑर्डिनेशन है जो कहाँ से हमें कमांड मिलेगी वो निर्धारित होगा उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसी की तरह है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के वन आ, अगर मेरे पास कोई एक प्लान है कोई एक टास्क है मुझे करने के लिए तो मैं किसको ये टास्क दे रहा हूँ किस के पास ये कार्य करने के लिए दिया गया है तो एक व्यक्ति के पास एक डायरेक्शन हो कि उसे उसी डायरेक्शन में काम करना है तो एक प्लान है या एक ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को निर्धारित करूं। उसके बाद सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट अर्थात जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिवस होंगे लेकिन उन सभी के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग किस तरीके से मॉडिफाई करें जर्नल इंटरेस्ट में एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए तो यदि एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक ऑब्जेक्टिव है लेकिन अगर उस ऑब्जेक्टिव की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है उसे किसी तरह की हानि पहुंचती है या उसे अचीव करने में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उन्हें उनको इग्नोर करते हुए मुझे जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना होगा उसके बाद सैलरी रिम्यूनोरेशन कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनका वेतन उनके कार्य के द्वारा निर्धारित हो हर व्यक्ति जो वहाँ पर कार्य कर रहा है उसका एक स्पेसिफिक सैलरी एक स्पेसिफिक सैलरी uh, का स्ट्रक्चर उसे उसके कार्य करने के बाद उसे क्या मिल रहा है यह पहले से निर्धारित हो और सभी व्यक्ति को उनके कार्य का सैलरी दिया जाए उसके बाद सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का अर्थ है कि जो ऑर्डर हैं जो कमांड्स हैं या जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं वो कौन ले रहा है या उसका जो वे ऑफ डिसीज़न मेकिंग है वो कौन है तो सेंट्रलाइज वे में या डी वे में कि ऑटोनॉमी है ऑर्गेनाइजेशन में या ऑटोनॉमी नहीं है कि जो मैक्सिमम डिसीजंस हैं वो किसी एक सेंटर से ऑरिजिनेट हो रहे हैं वही बाकी लोगों को वो डिसीज़न डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या सभी लोगों के पास कुछ कुछ हद तक ऑटोनॉमी है कि वो अपने डिसीज़न ले सकते हैं अपने किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए तो ये कंडीशन किस पर निर्धारित होती है उस कॉन्टेक्स्ट पर उस समय की नीड पर तो यहाँ पर चाहे वो सेंट्रलाइज वे हो या डिसेंट्रलाइज्ड वे हो यह इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस समय पर किस तरह की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ये कमांड या डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है उसे डिस्ट्रीब्यूट करें उसके बाद स्केलर चैन स्केलर चैन का अर्थ है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट हरार है या उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास रोल्स हैं वो एक चैन में पहले से ही इस्टैब्लिश हूँ लोगों को पता हो कि हरारके में ये अप है ये फिर उसके अपर हरार की है फिर ये उसके अपर हरार की है, है तो जो चैन है ये क्लियरली कमांड हो एक सिस्टमेटिकली वहाँ पर इस्टैब्लिश हो उसके बाद ऑर्डर ऑर्डर का अर्थ है चीज़ें सही समय पर सही जगह पर अवेलेबल हो, इस्टेबलिश हो। जैसे आप किसी से कहते हैं कि तुम अपनी चीज़ों को ऑर्डर में रखो या अपने कार्य को ऑर्डर में पूरा करो तो किसी भी चीज़ को ऑर्डर में रखना या किसी भी चीज़ को ऑर्डर में पूरा करने का क्या अर्थ है कि अगर आपने किसी चीज़ को ऑर्डर में रखा है तो क्या होगा जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उस चीज़ को वहाँ से ले पाएंगे या आपको ज़रूरत है उस चीज़ को उस चीज़ को इस्तेमाल करने की तो ये कब पॉसिबल होगा जब वो ऑर्डर में सही समय पर सही जगह पर चीज़ होगी तो ये प्रिंसिपल हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सही जगह पर सही समय पर उनकी अवेलेबिलिटी हो और ऑर्डर में वो चीज़ें इस्टेब्लिश हों उसके बाद इक्विटी इक्विटी का अर्थ है फेयरनेस कि जो कर्मचारी हैं उनके अंदर इक्विटी का पर्सपेक्टिव हो उनके अंदर ये ट्रस्ट हो कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है जो क्लाइमेट है वो इक्विटी का क्लाइमेट है जस्टिस का क्लाइमेट है उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यर ऑफ एम्प्लॉइज का अर्थ है कि जो उनके कार्य करने की जो टेन्यूर है उसके अंदर स्टेबिलिटी हो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास जब जॉब होती है तो उस जॉब का जो नेचर है कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है उस कर्मचारी के लिए उस कर्मचारी के परफॉर्मेंस के लिए उस कर्मचारी के आउटकम के लिए तो ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति है उसके उसे अभी काम मिल रहा है उसे कल काम नहीं है उसके पास परसों काम है उसके पास परसों काम नहीं है तो स्टेबिलिटी जब कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए तो उसके टन में उसके कार्य करने की जो ड्यूरेशन में उसमें सम एक स्टेबिलिटी अवेलेबल हो उसके बाद इनिशिएटिव इनिशिएटिव का अर्थ है कि इनोवेशन क्रिएटिविटी के जो आइडियाज़ हैं इनकी प्रोबेबिलिटी हो इनकी पॉसिबिलिटी हो अर्थात अगर कोई किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति या कर्मचारी किसी कार्य को और इनोवेशन से या और क्रिएटिविटी से कार्य करना चाहे तो उसे इनिशिएट किया जाए उसे प्रमोट किया जाए कि आप इस तरीके से और क्रिएटिविटी इनोवेशन के साथ साथ इस कार्य को और अच्छे से पूरा कर सकते हैं देन स्प्रिट यह स्प्रिट का अर्थ है कि अपने कार्य को कितने लगाव से कितने मन से जैसे आप कहते हैं कि आत्मा से किसी कार्य को करना सोल आ, किसी कार्य में अपनी सोल को इन्वॉल्व कर देना तो जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को अपने पूरे लगन अपने पूरे मन से कार्य करता है तो उस कार्य करने में उसे ज़्यादा इन्जॉय होता है उसमें कार्य करने में जो एरर्स की पॉसिबिलिटी हैं उसमें कम होती हैं और व्यक्ति का जो वर्क uh, एफेक्टिवनेस है वर्क एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होता है तो ये वो फोर्टीन प्रिंसिपल्स थे जो फ्योल ने अपने इस सिद्धांत में प्रपोज किए तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की ये जाना कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज ए सब्जेक्ट डेवलप हुआ उसमें कौन कौन से ऐसे हिस्टोरिकल माइंड थे कौन कौन से ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया उन एम्प्लॉय उन स्कॉलर्स ने कौन कौन सी वो थ्योरीज दी और उन थ्योरीज के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट थे और उन कॉन्सेप्ट से कैसे ऑर्गेनाइजेशन organization और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को एज ए सब्जेक्ट डेवलप होने में मदद मिली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के आगे के जो लेक्चर्स हैं या जो आगे के हिस्टोरिकल माइल हैं वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे आज हम लोग बस क्लासिकल एरा के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को कंप्लीट करके इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो धन्यवाद